हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो आपको जब बृहस्पतिवार की प्रदोष पड़ती है उसी दिन करना है। जब बृहस्पतिवार की प्रदोष पड़े ये उपाय उस दिन करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्ज मुक्ति बहुत कर्ज से मुक्ति के लिए या आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। ये उपाय आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब बृहस्पतिवार की प्रदोष पड़े तो आप ये उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, यानी शाम के समय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको एक लोटा तांबे का जो है उसमें जल भरना है। जल भरकर आपको उसमें पीला चंदन मिलाना है, उसी जल में आपको पीला चंदन मिलाना है। अगर आपको पीला चंदन ना मिले तो आपको उसमें गुड़ डालकर मिला लेना है उस जल में। ध्यान रखिए आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिलानी है। अगर आप पीला चंदन ना मिले तो आपको गुड़ मिला लेना है और प्रदोष काल में उस गुड़ को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और वहाँ जाकर अपनी कामना बोलकर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए बाबा से विनती करते हुए वो जो जल है आपको जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहाँ थोड़ा सा डालते हुए, मतलब लगातार हल्की धारा डालिए, थोड़ा सा डालते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको स्टार्ट करना है और धीरे से डालते हुए आपको शिवलिंग पर ले जाना है। वही जल धीरे धीरे ले जाना है शिवलिंग पर। ले जाते हुए फिर वापस आपको फिर वही, मतलब ये आपको जल समाप्त नहीं करना। आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा जल डालते हुए धारा चलती चली गई और फिर शिवलिंग पर ले गए और फिर शिवलिंग से ही वापस फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल लेकर आए उस पात्र से और वो उस जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही आपको जल लाकर समाप्त करना है। ध्यान रखिए बस इसमें जल का ही वो है कि किस तरीके से आप जल को चढ़ाना है कि बस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से लाते हुए शिवलिंग के ऊपर ले जाना और फिर शिवलिंग पर डालते हुए वापस फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको जल चढ़ाकर समर्पित करना है और फिर वहाँ समाप्त करना है जल लौटकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। इस तरीके से आपको जल कर आपको चढ़ाना है और आपकी जो भी मनोकामना वहीं बैठकर आपको बाबा से विनती करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और ये उपाय आप जरूर कीजिए। देखिएगा इस उपाय से आपका जो दुर्भाग्य है जब दूर चला जाएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी बाबा जरूर पूरी करेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की जब प्रदोष पड़नी है तभी ये उपाय करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।